खनिया थाना के बामूर कला थाना क्षेत्र के ग्राम खिसलौनी में पशुओं को चराने गए दो चरवाहे बेतवा नदी में पानी का तेज बहाव आने के कारण नदी के बीच एक टीले पर फंस गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण राजघाट डैम के गेट शनिवार को अचानक खोल दिए गए, जिसके कारण पशु चराने गए चरवाहे टापू पर पशुओं के साथ फंस गए। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि राजघाट डैम के खुलने की सूचना हमको राजघाट डैम के अधिकारियों और ना ही शिवपुरी प्रशासन के द्वारा दी गई। ऐसा हमारे साथ पिछले साल भी हुआ, जब रेस्क्यू कर कुछ लोगों और पशुओं को बचाया गया था। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह बामूर कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिसलौनी के कुछ चरवाहा अपने जानवरों को चराने के लिए नदी के पास जंगल में गए थे। दोपहर में अचानक से राजघाट डैम के गेट खुलने के कारण नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ये चरवाहे वहीं जंगल में टापू पर फंस कर रह गए। इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा बामूर कला थाने को दी गई, जहां पर बामूर कला थाने के द्वारा ये सूचना जिला केंद्र की रेस्क्यू टीम को दी गई। शिवपुरी से दूरी अधिक होने के कारण रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अंधेरा हो गया था, जिस वजह से रात में रेस्क्यू नहीं किया जा सका। रविवार सुबह रेस्क्यू टीम ने दोबारा रेस्क्यू कर चरवाहों और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला। रघुनाथ सिंह, कैसे फंसे थे दादा आप? नदी में भैंसे गाय चरावे गए थे, तो 10 बजे हम निकल गए और 11 बजे अभी अंदर पहुंचे, जो एक नदी आ गई। पहले से पता नहीं था नदी के बारे में? हाँ, पहले आपको अलर्ट जारी नहीं किया था? ऐसा पहले जानकारी नहीं दी गई थी कि हम गेट खोल रहे हैं कि? हमें कोई जानकारी नहीं है, बड़े दिया आदमी, हम निकल जाओ घर से, अब गांव में आई ही ये जानकारी, तो क्या मालूम। कितने लोग फंसे थे आप? 2। और जानवर? जानवर तो सब 15 तो बकरी और 50 नंग भैंस इतने थे, एक गाय। तो ये सब बच गए? सब बच गए। कितने बचाया? भगवान ने बचाया। कैसे बचे आप? शिवपुरी से टीम आई, हाँ, थाने से प्रभारी साहब आए और गांव बस्ती वाले सब लोग हते। तहसीलदार साहब थे? हाँ, तहसीलदार साहब हते। अच्छा, बच गए? बस बच गए। थी इसकी जानकारी आपको कितने टाइम पे लगी थी सर? इसकी जानकारी हमें कल शाम को लग गई थी, 5 बजे के आसपास। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे टीम को लेकर अपनी थाने की, और उसके बाद पानी अधिक था तो शिवपुरी हमने फ़ोन कर दिया था, कंट्रोल रूम को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, तो जो शिवपुरी से SDRF की रेस्क्यू टीम है वो आ गई थी, और उनको थोड़ा रात में समय हो गया था 9 बजे के आसपास, अंधेरा अधिक होने से और पानी में बहाव तेज था, इसलिए रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया था, इसलिए अभी सुबह रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मेरा नाम प्लाटून कमांडर मनीष श्रीवास्तव, SDRF प्रभारी शिवपुरी। जी सर। सर, ये घटने की जानकारी आपको कब लगी थी? घटने की जानकारी कंट्रोल रूम और थाना प्रभारी के द्वारा हमको शाम को 7 बजे घटना की सूचना मिली, उसके द्वारा तत्काल टीम को इकट्ठा करके और घटनास्थल के लिए रवाना हुए। जब मौके पर आए तो यहाँ पर रात्रि भी अधिक थी और पानी का बहाव भी तेज था, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में पानी काफ़ी बरस रहा था, और ऊपर से सूचना प्राप्त की प्रभारी के द्वारा, तो लगातार पानी बरसने के कारण और बहाव तेज होने के कारण हमारे द्वारा रात में रेस्क्यू रोक दिया गया। बाद में जैसे ही प्रातः जब उजाला होने के पश्चात टीम के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया। दो विक्टिम जो फंसे हुए थे वहाँ पर, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। जी सर।